हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु यीशु के बलिदान को याद करें और मेरे साथ बोले, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आज खूबसूरत दिन में हमें जीवित रखने के लिए और तेरे जीवित वचन हमें देने के लिए। परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, तेरे बेटा प्रभु यीशु में ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। परमेश्वर, सच में वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वहाँ दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तभी हमने उसको परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ उस पर लात दिया। वह सताया गया, तभी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, जिस पकड़ भेड़ बध होने के समय और भेड़ी उन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा, क्योंकि तूने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा कि तूने हमें शैतान के गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया और पवित्र लहू से हमें खरीद लिया। प्रभु यीशु, तूने मेरे लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुआ। मेरे हर एक बीमारी को अपने शरीर पर ले लिया। ऐसा कोई नहीं यहाँ पृथ्वी में, कोई देवता नहीं जो मेरे बीमारी को ले ले। परमेश्वर, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ने हमारे हर एक बीमारी को ले लिया है। प्रभु यीशु, मुझ पर दया करे, मेरे फैमिली पर दया करे, मेरे दोस्तों पर दया करे, जो तुझको जानता नहीं, जो तेरे पवित्र लहू के कीमत जानता नहीं प्रभु, वो जानने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, तू मेरे विनती मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। मेरे पिता, हम पर दया करे। मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा और विश्वास करता हूँ कि तू ही है सच्चा खुदा। मेरे प्रभु यीशु, तू ही है मार्ग सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु, तू अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम आदि और अंत है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, मुझ पर दया करे। मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पर दया करे। तेरी लहू की जय जयकार करता हूँ मैं, धन्यवाद करता हूँ मैं पिता प्रभु जी। मेरी हर एक विनती हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए कृपया सुने और कबूल करे। यीशु के नाम से मांगता हूँ मेरे पिता, आमीन।